हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुनने टेक्निकल। आज मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन लॉस के। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था लॉस के जो फॉर्मूले होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 9 10 फॉर्मूले मैंने आपको बताया थे, वहाँ आपने याद कर लिए होंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए क्वेश्चन ऐसा देता है कि जैसे आप क्वेश्चन दे दिए प्रूव दैट एब्सेंशन लॉ। ठीक है, तो अब हमें इसका जो फॉर्मूला क्या था वो लिखना है, देन उसको सॉल्व करना है। प्रूव दैट एब्जॉर्प्शन लॉ है, एब्जॉर्प्शन लॉ है जो उसको सॉल्व करके उसको प्रूव करना है, प्रूव दैट। तो उसका फॉर्मूला क्या है देखिए, ए प्लस ए बी इक्वल टू ए, ए डॉट ए प्लस बी इक्वल टू ए, ये उसका फॉर्मूला है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं, ए डॉट ए प्लस बी, ये फर्स्ट वाला और ये सेकंड वाला। ठीक है, फर्स्ट वाला करते हैं पहले, ए प्लस ए बी इक्वल टू ए। इसमें देखिए यहाँ पे सेम, इसमें यहाँ प्लस है तो यहाँ डॉट करना है, ए प्लस बी। ठीक है, देन इक्वल ए, उसके बाद यहाँ ए को ऐसे इंटर करेंगे डबल ए आ गया, प्लस ए बी, तो यहाँ ए बी आ गया। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ डबल ए को हम ए बी लिख सकते हैं, सिंगल ए लिख सकते हैं डबल ए को। ठीक है, देन उसके बाद 1 प्लस बी। ठीक है, ए को हम 1 भी लिख सकते हैं और प्लस बी। देन उसके बाद ए डॉट वन ए इक्वल ए, ये जो है प्रूव हो गया। ठीक है, बिल्कुल। देन उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट सेकंड नंबर हमारे पास है ए डॉट ए प्लस बी इक्वल टू ए। ठीक है, इसको हम लिखेंगे ए प्लस, यहाँ डॉट ए तो यहाँ प्लस लिखेंगे। ठीक है, प्लस ए बी इक्वल टू ए, ए इंटू ए, ए को ऐसे इंटू करेंगे कितना आएगा, ए ए डॉट ए बी। ठीक है, देन उसके बाद ए डॉट ए बी, डबल ए को सिंगल ए भी लिख सकते हैं, देन ए बी लिख दिया लास्ट में। उसके बाद ए 1 डॉट बी। ठीक है, देन ए प्लस 1 ए इक्वल ए, प्रूव। ठीक है, सिंपल वे बताया मैंने आपको, एक बार फिर से देखिए, फर्स्ट ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, इसका फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिख दिया, दोनों उसके बाद ये लिख दिया। ठीक है, इसके बाद ए को एस इनटू कर दिया और उसके बाद ये क्वेश्चन पूरा हो गया। ठीक है, ए को एस इनटू किया, उसके बाद यहाँ डॉट है तो यहाँ प्लस किया हमने, प्लस करके यहाँ प्रूव हो गया और ये सॉल्व हो गया। ठीक है, बाय बाय।